एवरीवन, चलिए आज डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्रिकल क्वालिटीज की। ज्योमेट्रिकल क्वालिटीज में सबसे पहले आता है आपका लाइन, सेकंड आपका आता है एरिया, थर्ड आपका आता है वॉल्यूम या फिर मास की कैटेगरी में जा सकते हैं या फिर वेट की कैटेगरी में हम लोग जा सकते हैं। वॉल्यूम, मास, वेट, डेंसिटी की वजह से आप इसमें देख सकते हैं जो भी चेंजेज आपके आने हैं। सो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आप प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज हमारा मेन फोकस है, वो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी एंड मास, मूवमेंट ऑब्लिक एरिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इस पूरे डिस्कशन में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लाइक दैट सारे वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सो लेट अस स्टार्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्लिक सेंट्रोइड। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड, एज नेम इंडिकेटिंग देयर इज अ टर्म दैट इज द ग्रेविटी एंड सेकेंड टर्म इज द सेंट्रोइड। सेंटर मीन्स अ लोकेशन और अ डिस्क्राइब एंड डिफाइंड लोकेशन फॉर एनी स्पेसिफिक क्वांटिटी। सपोज दैट कोई एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी, सपोज दैट दिस इज अ फिजिकल बॉडी, ओके, नाउ इट हैव सर्टेन मास, सपोज सर्टेन मास है दैट इज सपोज दैट टोटल एम, ओके, और अगर इसको वेट लेना चाहते हैं जी को मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम्स वेट दैट इज डब्ल्यू। सो इस मास को या इस वेट को हम इस बॉडी पे किस पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हैं, वो हमारा आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। इस अ पॉइंट डेडिकेटेड फॉर द और पॉइंट टू बी कंसीडर फॉर द टोटल मास ऑफ ए बॉडी। सो सपोज दैट कोई एक बॉडी है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, और इस पर्टिकुलर पार्ट का मास मान लीजिए m1 है, इसका m2 है, m3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट पार्ट्स तो इनफाइनाइट मासेज आपके हो सकते हैं। सो टोटल मास m को हम किस पॉइंट पर कंसीडर कर सकते हैं, सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट जहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं, ये पॉइंट हमारा होता है c या फिर g से डिनोट करते हैं, दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। तो C को हम लोग कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास। अब देखिएगा इसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी बॉडी पे वन एंड ओनली वन ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास का पॉइंट हो सकता है, कोई दूसरा पॉइंट आपका नहीं हो सकता। सो हम लोग डिस्कशन करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास के साथ में सेंट्रोइड के बारे में। सो ध्यान से समझिएगा कि किसी भी बॉडी का, किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेशन किसी क्वांटिटी का एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट होता है। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए ज्योमेट्री के हिसाब से हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मान लीजिए है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड सपोज दैट दिस इज अ बॉडी। अगर आप एरिया का पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका एरिया हो सकता है, लाइन रख लेंगे तो लाइन हो सकता है, टोटल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के हिसाब से हो सकता है, या वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन किसी को भी हम ले सकते हैं। सपोज दैट इस बॉडी का मास है इस पॉइंट के अबाउट, दिस इज एम वन, और इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो लोकेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज द एक्स वन एंड हाइट इज द वाई, मीन्स एक्स एक्सिस डिस्टेंस आपकी वाई वन है और वाई एक्सिस डिस्टेंस आपकी एक्स वन है। सपोज दैट सेकेंड मास इज दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मीन्स इस पर्टिकुलर मास का जो है वो हमने कंसिडर किया हुआ है, दिस इज एक्स टू एंड दिस इज वाई। सपोज दैट हम एक और मास लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा तीसरा मास है, दिस इज एम थ्री, दिस इज एक्स थ्री एंड दिस इज वाई थ्री,
एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स आपके हो सकते हैं. सो फॉर एम वन दिस इज एक्स वन कॉमा वाई वन, फॉर एम टू एक्स टू कॉमा वाई टू, फॉर एम थ्री एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स. सो सारे के सारे पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका ओरिजिन, और जिसके अबाउट हम कंसिडर कर सकते हैं सिंपल ज्योमेट्री के लॉ के हिसाब से. नाउ अगर टोटल बॉडी का मास जो है दैट इज द कैपिटल एम, और इसका जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट आपका कुछ ये हो गया, ये रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, सपोज दैट दिस सी एंड दिस इज एक्स बार, एक्स बार एंड दिस इज वाई. अगर जेड एक्स तो हम जेड बार भी आ सकते हैं, जेड के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं, हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो एक्स बार एंड वाई बार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे. सो देखिए ध्यान से, अगर ये है तो टोटल रिजल्टेंट मास सेंटर के अबाउट आपका हो जाएगा. अगर हम इसके अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो एम वन एक्स वन वाई के अबाउट, सो मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस दिस इज द एम वन एक्स वन, दूसरे मास का एम टू एक्स टू, तीसरे मास का एम थ्री एक्स थ्री एंड एम एन एक्स एन, अगर नंबर ऑफ एन मासेस है एंड टोटल मास जो रिजल्टेड होगा दैट इज द एम एंड इट शुड बी इक्वल टू द एक्स बार, दिस इज द एक्स बार. सो बाय दिस एक्स बार इज इक्वल टू एम आई एक्स आई समेशन और इंटीग्रेशन I is equal to 1 to n divided by total m. Similarly, axis के अबाउट करते हैं, so हमारा y bar बनता है summation I is equal to 1 to n m I y I divided by total mass. This is simply a first and basic principle for the center of gravity and center of mass. So अब हम physical point of view से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समझिएगा कि किसी भी बॉडी पर एक और केवल एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का पॉइंट हो सकता है. ये हमारे पहला पॉइंट आता है. सपोज दैट अगर हम एरिया के हिसाब से लेते हैं तो, अगर हम लाइन के हिसाब से लेते हैं तो, सो वन डायमेंशनल क्वांटिटीज एंड टू डायमेंशनल क्वांटिटीज के लिए ये टर्म हमारा स्पेसिफिक कहलाता है सेंट्रोइड. This is a subset of the center of gravity. Means हम one dimensional, two dimensional के center of gravity पर use कर सकते हैं, लेकिन gravity वहाँ पर है ही नहीं. Area के साथ में gravity नहीं, line के साथ में gravity नहीं है. इसलिए हम लोग उसको corrected form में centroid word use करते हैं. वहीं पर अगर किसी body पे mass है, तो हम लोग यहाँ पर use करते हैं center of mass. अगर ग्रेविटी का यूज है, जी का यूज है, मीन्स वेट अगर वहां पर है, मीन्स वेट होगा तभी अब जी आएगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो जनरली एग्जाम्स में सब्जेक्टिव फॉर्म में दो नंबर के डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड. देन यू कैन राइट दैट फॉर एन स्पेसिफिक क्वांटिटीज लाइक वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज बीन यूज्ड, for any specific quantity of that is mass center of mass is used, and for one dimension means line and two dimension means area hum iske liye centroid ko use karte hain. sabka sense dekhiye hai ki is physical quantity ko, is geometrical quantity ko us physical body ke kis point ke about consider kar sakte hain, that is the center of gravity or centroid. I hope ye basic baat aapko clear samajh mein aayi hogi. ab hum aage baat karte hain kuch physical and कॉन्सेप्चुअल बात की. तो आपको ध्यान से देखना होगा कि सपोज दैट कोई एक बॉडी है, ओके, सो अगर हम सपोज दैट इस डस्टर की बात करते हैं, इस डस्टर को मैं यहाँ से हैंग कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने हैंगिंग का पॉइंट चेंज किया, हमने यहाँ पे किया, मान लीजिए हम यहाँ पे किया या यहाँ पे किया, हम पॉइंट लगातार चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस इसकी लोकेशन पे आएगी.
देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवमेंट, मीन्स राइट साइड के फोर्सेस का मूवमेंट लेफ्ट साइड के फोर्सेस के मूवमेंट के इक्वल होगा. रिएक्टेड मूवमेंट बॉडी को इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमेशा जीरो होना चाहिए. सपोज दैट ये बॉडी है आपका, तो लेफ्ट की ओर अलग मूवमेंट है, राइट की ओर से अलग मूवमेंट है. दोनों मूवमेंट के हिसाब से रिएक्टेड मूवमेंट आपका जीरो होगा, बॉडी आपके इक्विलिब्रियम पे आएगी. जिस पॉइंट के अबाउट ये पॉसिबिलिटी होती है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का पॉइंट. तो जिस पॉइंट से बॉडी को हैंग कर रहे होते हैं, जिस पॉइंट जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट से मिलने वाली लाइन हमेशा एग्जैक्टली वर्टिकल एक्सिस में लाई करेगी, हमेशा वर्टिकल एक्सिस में लाई करेगी. फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेज को लेता हूँ, सपोज दैट ध्यान देखिए ये एक पेज है. पेज के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम है कि अगर हम इसको एक फोल्ड यहाँ पर दें लाइक दिस, अगेन इसको हम इक्वल मिरर ऑफ एक्सिस के ऊपर फोल्ड किया तो एक पॉइंट मिलेगा जहां पर ये दोनों डायमेंशंस कट करते. इस पॉइंट को मैं अगर दिखाना चाहूँ, सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट एंड दिस विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ दिस एरिया. अब मैं इस पॉइंट को मान लीजिए यहाँ से इसको हैंग करता हूँ, तो जिस पॉइंट से मैंने हैंग किया है जो ये रेड वाला पॉइंट है, इन दोनों से मिलने वाली लाइन हमेशा एग्जैक्टली वर्टिकल एक्सिस पे लाई करेगी. मैंने पॉइंट चेंज किया, इसका रोटेशन भी अपने आप चेंज हो जाएगा, लोकेशन बिल्कुल सी की आपकी वही रहेगी, ये दोनों पॉइंट से मिलने लाइन हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे लाई करेगी लाइक दिस लाइक दिस. अब किसी भी पॉइंट से अगर आप देख लें, सो जिस पॉइंट से हैंग करते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, इनसे मिलने वाली लाइन हमेशा एग्जैक्टली वर्टिकल एक्सिस में लाई करती है. अनदर एग्जांपल, सपोज दैट कोई एक बॉडी है, ये इस पेन को लेते हैं, इस पेन को इक्विलिब्रियम करने के लिए हम इसको सेंटर पॉइंट पर रखते हैं, मीन्स आप देखिए अगर इक्वल हम कर लेते हैं सो लाइक दिस, तो जितना वेट इस साइड से होगा उतना वेट इस साइड से होगा, दोनों मूवमेंट आपके बराबर होते हैं. तराजू का एग्जाम्पल है, तो अगर आप एक ह्यूमन टेंडेंसी के हम इसमें मोड करें तो दोनों तरफ से इक्वल अगर हम करते जाते हैं, डेफिनेटली हम एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर बॉडी आपकी इक्वली इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो रोटेशन बॉडी को एक पॉइंट पे एक फिंगर पर टच कर लेते हैं, तो वो पॉइंट जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे वेट पॉसिबल होता है. तो ये इस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास की डिफरेंस है बॉडी पे, और किसी भी एरिया के लिए किसी भी लाइन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं इसके लिए. सो कंपोजिट बॉडी अगर होती जनरली क्वेश्चंस पे, तो जो रेगुलर एरियाज है जैसे रेक्टेंगल आपका स्क्वायर है, राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सर्कल है, सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, लाइक दिस, इन सभी एरियाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. वॉल्यूम केस में कोन हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, रॉड हो गई, लाइक दिस हम लोग इन सभी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. एरिया अंडर द कर्व के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इन सारे वीडियो सीरीज में हम लोग इन्हीं के बारे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट बॉडी की, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्लिक सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट बॉडीज. कंपोजिट बॉडीज सपोज दैट कोई एक बॉडी है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि एक्स बार इज इक्वल टू एम आई एक्स आई एम एल, वाई बार इज इक्वल टू एम आई वाई एफ आई अपॉन एम. सपोज दैट कोई बॉडी है उसके थ्री कंपोजिट पार्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम एक रेगुलर एक एरिया ले लें, एक हमने ये ले लिया और एक हमने इसमें कुछ ये कर लिया, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड सपोज हम लेते हैं, तो इन सबके इंडिविजुअल एक्स बार एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री आपके अलग अलग होंगे, और हम इन तीनों के पॉइंट से एक्स बार अगर हम निकालना चाहेंगे तो एक्स वन वाई वन ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री. सिमिलरली फॉर वाई बार ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री लाइक दिस. हम इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. मान लीजिए हमें इस एरिया में किसी एरिया को इलिमिनेट करना है, मान लीजिए हम ये कट करना चाहते हैं, सो दिस इज मान लीजिए फोर्थ एरिया एंड दिस इज वुड बी माइनस, सो हम इसमें से एक टर्म एडिशनल ऐड कर देंगे माइनस ए फोर वाई फोर डिवाइड बाई माइनस ए फोर
बस याद रहे कि ये हमने पूरा एक एरिया एज्यूम किया हुआ है, लाइक दिस ए फोर एक्स फोर डिवाइड बाई माइनस का ए फोर, आपको नीचे आपका और ऐड किया हुआ। सिंपली मोमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड के लिए। तो आई होप ये आपको बेसिक समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, आप देखते रहिएगा वीडियोस के अकॉर्डिंग हम सारे न्यूमेरिकल सारे एरिया को लेकर कंपोजिट एरिया को लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर लाइन के ऊपर चाहेंगे, फिर वॉल्यूम के ऊपर चाहेंगे, इस तरीके से हम इस पूरे कुछ टॉपिक को कवर अप करेंगे। होप, थैंक यू।